एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं सीटेट के 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगी। तो आइए बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। सवाल नंबर 21, इंतिबाक का मकसद है, यानी इंतिबाक का मकसद क्या है? इंतिबाक का मकसद ये होता है कि मौलिम ने जो भी कुछ पढ़ाया है, यानी टीचर ने जो भी कुछ पढ़ाया है, उसकी जाँच करना। तो इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी। इंतिबाक किसको कहते हैं? यानी मौलिम ने, टीचर ने जो भी कुछ पढ़ाया है उसकी जांच करना। इससे मौलिम की कारकर्दगी का पता चलता है कि मौलिम का पढ़ाया हुआ सबक मौसर है या नहीं, यानी उसका फायदा हुआ है या नहीं, या बच्चों को समझ में आया है या नहीं। कारकर्दगी किसको कहते हैं? यानी कोई फेल सर अंजाम देना, यानी जो काम दिया गया है उसको सही तरीके से अंजाम देना, क्या कहलाता है? कारकर्दगी। सवाल नंबर 22, किस तरीके में रिवायती कवायद और उसकी तारीफ को बुनियाद बनाया जाता है? तो वो कौन सा तरीका है? वो तरीका है इस्तखराजी तरीका, और ये क्या है? तदरीस के तरीके में से एक तरीका है। तो इसमें ऑप्शन डी सही है। तदरीस के जो तरीके हैं उनमें से एक तरीका कौन सा है? यही है इस्तखराजी तरीका। और इसके अलावा जो भी तरीके हैं मैं उनको एक वीडियो में जरूर कवर करूंगी। सवाल नंबर 22, कवायद की तदरीस के लिए मुअल्लिम होना चाहिए, यानी ग्रामर पढ़ाने के लिए एक टीचर कैसा होना चाहिए? तो वो होना चाहिए कवायद में माहिर, यानी वो ग्रामर में एक्सपर्ट होना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। यानी कवायद की तदरीस के लिए मुअल्लिम को अपने ऊपर पूरा एतमाद होना चाहिए। सवाल नंबर 24, क्लास में सवालात करते वक्त मुअल्लिम को चाहिए, यानी मुअल्लिम को क्या करना चाहिए? यानी क्लास में क्वेश्चंस करते वक्त एक टीचर को क्या करना चाहिए? तो वो पूरी जमात को मुखातिब करके सवाल करे। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। यानी जब कोई टीचर क्लास में सवाल करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो एक दो बच्चों को मुखातिब करें, कि सिर्फ उन्हीं से सवाल करें, बल्कि पूरी क्लास को मुखातिब करना चाहिए। सवाल नंबर 25, जूद खानी का मतलब क्या है? जूद खानी का मतलब है तेज रफ्तार से पढ़ना। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। तेज रफ्तार से पढ़ना जूद खानी कहलाता है। जिस कदर ज्यादा मुताला होगा उसी लिहाज से मुताले की रफ्तार में इजाफा होगा। सवाल नंबर 26, गलत लफ्ज की निशानदेही कीजिए, यानी इसमें गलत वर्ड को पहचानिए। इसमें गलत लफ्ज कौन सा है? ऑप्शन बी, अलिफ सीन लाम अलिफ मीम। तो यहाँ पर अलिफ के बाद क्या आएगा? लाम। यहाँ अलिफ के बाद लाम आएगा, फिर आएगा सीन, फिर लाम अलिफ मीम। तो ये सही होगा, और इस वक्त ये गलत लिखा हुआ है। सवाल नंबर 27, इंशाइया कहलाता है, किसी भी मौजू पर इख्तिसार के साथ इजहार ख्याल करना इंशाइया कहलाता है। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, यानी किसी भी टॉपिक पर शॉर्ट के साथ अपना इजहार ख्याल करना इंशाइया कहलाता है। सवाल नंबर 28, हिंदुस्तान का आईन नाफिज कब हुआ? तो ये हुआ 26 जनवरी 1950 में। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 29, फनी महारतों की निशानदेही कीजिए, यानी जो टेक्निकल स्किल्स होती हैं उनको पहचानिए। तो उसमें सबसे पहले क्या है? सुनना, फिर क्या है? बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना, यानी लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 30, तालीमी निजाम की बुनियाद किस पर है? तालीमी निजाम यानी एजुकेशन सिस्टम, बुनियाद फाउंडेशन किस पर है? ये मुतालिम पर। अब मुतालिम किसको कहते हैं? शागिर्द को, स्टूडेंट को, यानी सीखने वाला। तो वो क्या कहलाता है? मुतालिम कहलाता है। तो इसमें ऑप्शन डी सही है। और मुदर्रिस किसको कहते हैं? वो कहते हैं टीचर को, और मुतालिम कहते हैं स्टूडेंट को। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये तमाम जवाब अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोगों को हमारे इन तमाम वीडियो से थोड़ा सा भी फायदा होता हो तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक जरूर दें। और मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज मेरी इसलाह जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगी एक और वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।